बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कुक विद सेवी। आज मैं आपके साथ ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इन इंग्रेडिएंट्स को देख के ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो एकदम सिंपल सा ऑमलेट है, लेकिन आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें तब आपको पता चलेगा कि ये ऑमलेट कितना टेस्टी, क्रिस्पी और फ्लफ़ी बन के तैयार होता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अनियन ली है, उसको हमें बारीक स्लाइस में काटना है। इस बात का ध्यान रखें कि प्याज हमें बारीक काटनी है स्लाइस में और इसे धो लें। धोने के बाद हम सबसे पहले इसमें नमक ऐड करें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। नमक के बाद आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और फिर दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसे कम से कम 7 से 8 मिनट रेस्ट के लिए रखना है ताकि हमारी अनियन सॉफ्ट हो जाए। हो चुके हैं हमारी प्याज, देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें एग्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 2 एग्स के बना रहे हैं ऑमलेट। अच्छे से बीट करें। हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालें। ऑयल को गरम होने दें। ऑयल गरम हो जाए इसमें हम अंडे डाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इसको स्प्रेड करें। फ्लेम मीडियम रखें। अभी हमें एक साइड से अच्छे से कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक एक साइड से अच्छे से कुक नहीं हो जाता। ये देखें, एक साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। अब हम इसे प्याज से फ्लिप कर देंगे। दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है, बहुत फ्लफ़ी बना है। इसके किनारे क्रिस्पी हैं और बहुत फ्लफ़ी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। इसे गरम गरम सर्व करें, रोटी से, पराठे से खाएं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना है। इसे बनाना देखा आपने, बहुत आसान है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमारी प्याज बारीक कटी हुई हैं और हमें नमक और मिर्च लगाकर तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे करना है ताकि हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।